हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। हमने लास्ट लेक्चर विच जो हमारा मुस्लिम मैरिज एक्ट है, जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, उसके बारे में हमने बात की थी। हमने जो डाइवोर्स लॉ का, डाइवोर्स के ऊपर हमारे टॉपिक स्टार्ट किए हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, हमने जो हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल था, एक्स्ट्रा जुडिशियल डाइवोर्स, हमने उसे किया। देन उसके बाद जो हमारा जुडिशियल था उसमें हमने जो हमारा एक एक्ट है, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, उसके बारे में कर लिया। अब इसी एक्ट में जो है, द डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट में एक प्रोविज़न है, वो है अपोस्टेसी की, अपोस्टेसी और कन्वर्जन। हम अपोस्टेसी भी कह सकते हैं, हम कन्वर्जन भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, मैं आपको एक बार नॉर्मली समझा देता हूँ। मान लो हस्बैंड है, हस्बैंड ने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया। वो क्या था, इस्लाम था, वो मुस्लिम था, वो हिंदू बन गया, वो मुस्लिम से वो क्रिश्चियन बन गया, राइट। उसने क्या किया, अपना जो उसका धर्म था उसने कन्वर्ट कर लिया, तो क्या जो उसकी मैरिजेज होगी वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने तलाक तो मुस्लिम लॉ में, सॉरी, उसने जो मैरिज की है, निकाह किया है, वो तो मुस्लिम लॉ में किया है। तो क्या जब हस्बैंड अपना धर्म कन्वर्ट करेगा, मुस्लिम से हिंदू बन जाएगा, क्रिश्चियन बन जाएगा, तो क्या उसकी जो मैरिज है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। क्या वाइफ के केस में भी ये सेम रहेगा कि अगर वाइफ किसी और धर्म में कन्वर्ट करती है तो उसकी मैरिज डिसॉल्व हो जाएगी। तो द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, इससे पहले क्या था, बिफोर 1939 एक्ट से पहले क्या चलता था, और उसके बाद जब ये एक्ट आया, इस एक्ट की पास हुआ, तो इस पास होने के बाद क्या चलता है, उसके बारे में बात करेंगे। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे इसे समझने के लिए, सो कि आपको समझ आ गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैंग्वेज देखते हैं कि सेक्शन की लैंग्वेज क्या कहती है, उसके बाद फिर हम एक चार्ट के थ्रू इसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज जो सेक्शन 4 है इसमें चलता है, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, जिसका सेक्शन 4 है, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ। क्या इफेक्ट आएगा, क्या प्रभाव आएगा कि अगर कोई पर्सन है वो किसी और धर्म में क्या कर लेगा, कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है, किसी और धर्म में क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर लेगा, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, अब उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। बस प्लीज 1 सेकंड का टाइम देना है, प्लीज। तो अब हमारा जो है सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 के ऊपर बात करेंगे, राइट। सेक्शन 4 के ऊपर जो है हम अब बात करेंगे कि सेक्शन 4 क्या कहता है, राइट, ठीक है जी। तो क्या है, इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन टू अनदर फेथ, द रेनोकेशन ऑफ इस्लाम बाय मैरिड मुस्लिम वोमैन। कि अगर जो इस्लाम के द्वारा रेनोकेशन करना है किसके, बाय मैरिड मुस्लिम वोमैन, और हर कन्वर्जन टू फेथ अदर देन इस्लाम, कि अगर वो किसी और धर्म में कन्वर्ट करती है जो इस्लाम के अलावा है, अदर देन, मुस्लिम तो है ही, वो मुस्लिम तो है, मुस्लिम से क्या वो हिंदू बन गई, वो क्रिश्चियन बन गई, शैल नॉट बी इट सेल्फ ऑपरेट टू डिजॉल्व हर मैरिज। सो मीन्स टू से, जो हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन है, हस्बैंड है, वाइफ है, वो अपना धर्म कन्वर्ट कर लेता क्या इस्लाम से, जहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इस्लाम से वो अगर कन्वर्ट करता है, ठीक है जी, ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस्लाम से वो करता है तो क्या है, वो शैल नॉट ऑपरेट, वो क्या है, शैल नॉट ऑपरेट नहीं होगा, राइट, वो शैल नॉट ऑपरेट नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगी, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें, कि जो अगर वाइफ किसी और धर्म में कन्वर्ट करती है तो उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं मानी जाएगी। आगे चलते हैं, प्रोवाइडेड दैट आफ्टर सच रेनोकेशंस और कन्वर्जन द वोमैन शैल बी एंटाइटल टू ऑब्टेन डिक्री फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज ऑन एनी ग्राउंड विच मैंशन इन सेक्शन 2। सो मीन्स टू से, कि अगर वाइफ धर्म कन्वर्ट कर भी लेती है, वो मुस्लिम से किसी और धर्म में कन्वर्ट करती भी है, तो फिर भी उसे जो दिस एक्ट की प्रोविजन है सेक्शन 2 में प्रोवाइड किया, जो हमने लास्ट लेक्चर में 9 ग्राउंड्स की थी, राइट, जो हमने लास्ट लेक्चर में 9 ग्राउंड्स की थी, उसमें से उसे
उस ग्राउंड के ऊपर ही वो क्या है डायवोर्स ले सकती है, उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है जी, उसकी मैरिज क्या है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। देन आगे चलते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर डैट द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू वोमेन कन्वर्टेड टू इस्लाम फ्रॉम सम अदर फेथ हु री एम्ब्रेस हर फॉर्मर फेथ। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि कोई जो वाइफ है वो की थी पहले हिंदू थी या क्रिश्चियन थी, मीन्स की नॉन इस्लाम थी, नॉन मुस्लिम थी, उसके बाद क्या हुआ वो मुस्लिम बन गई, मुस्लिम के बाद फिर वो उसका जो ओरिजिनल फेथ था मीन्स की वो फिर हिंदू और क्रिश्चियन बन गई, तो उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। अगर आपको समझ लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। अब हम इसे एक जो चार्ट है उसके थ्रू समझते हैं, अब हम एक चार्ट है इसके थ्रू समझते हैं। अगर तो आपको समझ लगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अब इसे हम एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ वन सेकंड देना प्लीज़। तो पहले क्या है अपोस्टेसी और कन्वर्जन, ठीक है जी, क्या है सॉरी अपोस्टेसी और कन्वर्जन, अपोस्टेसी और कन्वर्जन, ठीक है जी, अपोस्टेसी और कन्वर्जन। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्ट है 1930 का, उससे पहले क्या था, बिफोर 1930 एक्ट से पहले क्या था और आफ्टर 1930 एक्ट से पहले क्या था, अब उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट। बिफोर 1939 एक्ट की इससे पहले क्या था और देन जब ये एक्ट की एनैक्टमेंट हुई तो उसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था। अब सबसे पहले बात करते हैं बिफोर क्या था, हस्बैंड एंड वाइफ में क्या था। अगर हस्बैंड है, एच को हस्बैंड रखते हैं और वाइफ है, हस्बैंड है वाइफ है, वो क्या करते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, उन्होंने क्या किया कन्वर्ट किया, अब कन्वर्ट वो क्या थे मुस्लिम थे, मुस्लिम से क्या बन गए हिंदू बन गए क्रिश्चियन बन गए, तो उनकी मैरिज क्या थी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाती थी, उनकी मैरिज क्या थी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाती थी। सो मीन्स टू से कि इस एक्ट से आने से पहले अगर हस्बैंड है और वाइफ है, हस्बैंड है वाइफ है राइट, हस्बैंड है वाइफ है, अगर वो किसी और धर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उनकी मैरिज ऑटोमेटिकली क्या होगी डिसॉल्व मानी जाएगी, मीन्स क्या है वो मुस्लिम थे, मुस्लिम टू मीन्स क्रिश्चियन हो गए हिंदू हो गए, तो उनकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाती थी, हस्बैंड है वाइफ है, ये है बिफोर एक्ट 1939 से पहले की सिचुएशन। अब बात करते हैं जब इस एक्ट की एनैक्टमेंट हुई तो उसके बाद क्या है, हस्बैंड है वाइफ है, अगर तो हस्बैंड कन्वर्ट करता है, इस बात का अब ध्यान रखना, अगर तो हस्बैंड कन्वर्ट करेगा तो उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाएगी, जो हस्बैंड है उसकी तो मैरिज है जो ऑटोमेटिकली क्या डिसॉल्व मानी जाएगी, बट जो वाइफ है उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, डज नॉट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व, हमने अभी पढ़ के हटे हैं, उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, उसे क्या है उसे जो सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड्स प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर ही वो डायवोर्स ले सकती है। वाइफ के पास राइट नहीं है कि अगर वो कन्वर्ट करेगी इस एक्ट के बाद आने के बाद कि वो किसी और धर्म में कन्वर्ट करेगी तो उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, नो ऐसा नहीं है। हस्बैंड के केस में है कि हस्बैंड कन्वर्ट करेगा तो उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाएगी, बट वाइफ के केस में ऐसा नहीं है राइट। तो आगे क्या थी, आगे उसमें क्या है 2 जो है प्रोविजो प्रोवाइड की गई है राइट, अब ऑटोमेटिकली क्या है डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है ऑटोमेटिकली क्या है डिसॉल्व नहीं होगी, तो उसमें क्या था 2 प्रोविजो प्रोवाइड की। अब प्रोविजो 1 क्या कहती है कि वाइफ कैन क्लेम कर सकती है डायवोर्स, सच वाइफ कैन क्लेम डायवोर्स एनी ग्राउंड,
जो वाइफ है सच वाइफ कैन क्लेम डायवोर्स ऑन एनी ग्राउंड, जो कोई भी ग्राउंड प्रोवाइड किया है अंडर सेक्शन 2 के ऑफ 1939 एक्ट के। और प्रोवाइजो 2 की क्या कहती है, जो फर्दर प्रोवाइजो है वो क्या कहती है कि अगर मान लो वाइफ क्या है, वाइफ पहले क्या थी, वो हिंदू थी, हिंदू से बाद वो मुस्लिम बन गई, राइट, हिंदू से बाद क्या है वो मुस्लिम बन गई, तो मुस्लिम बन गई, अब उसने क्या मुस्लिम में आके कर ली मैरिज, निकाह कर लिया, मैरिज कर ली, मैरिज करने के बाद फिर से वो क्या है, वो फिर से हिंदू बन गई, मीन्स पहले वाइफ क्या थी, हिंदू थी, उसके बाद वो मुस्लिम में कन्वर्ट किया, मुस्लिम में कन्वर्ट करके उसने क्या किया, निकाह किया, मुस्लिम में कन्वर्ट करके उसने क्या किया, निकाह किया, अब फिर वो हिंदू बन गई जो उसका ओरिजिनल रिलीजन था, तो उसके ऊपर प्रोविजो 2 कहती है जो जे एक्ट है वो अप्लाई नहीं करेगा। जे एक्ट क्या कहता है कि वाइफ की मैरिज अगर वो कन्वर्ट करती है तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी, यही है, क्योंकि वाइफ के ऊपर जे अप्लाई नहीं करता, वुमेन के ऊपर अप्लाई नहीं करता कि उसकी मैरिज जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं मानी जाएगी, यही किया हमने कि उसकी मैरिज जो है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर एक्ट अप्लाई नहीं करता तो डैट मीन्स क्या है कि जो पहले हिंदू थी उसके बाद मुस्लिम आए, मुस्लिम बनी, उसमें उन्होंने निकाह किया, देन फिर अपने ओरिजिनल धर्म में कन्वर्ट करगी, मीन्स फिर से वो हिंदू बनगी, तो उसके ऊपर जो एक्ट अप्लाई नहीं करेगा दैट मीन्स उसकी मैरिज जो है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाएगी, ठीक है जी, उसकी मैरिज क्या है ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी। सेकंड प्रोविजो के मान लो पहले हिंदू थी, देन वो मुस्लिम बनी, मुस्लिम में उसने निकाह किया, देन फिर वो अपने ओरिजिनल जो उसका धर्म था उसमें कन्वर्ट करगी। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए क्या कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस है कि इस एक्ट के बाद भी वाइफ जो कन्वर्ट करेगी तो उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, वो सेक्शन 4 की प्रोविजो 2 है, इस बात का ध्यान रखना। अगर वो पहले हिंदू थी उसके बाद वो मुस्लिम बनी, मुस्लिम जब बनी तो उसने निकाह किया, उसके बाद फिर अपने ओरिजिनल धर्म में कन्वर्ट किया हिंदू में, तो उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि उसके ऊपर जे एक्ट अप्लाई नहीं करता। जे एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करता? सिर्फ वाइफ ऊपर। तो यही तो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि इस एक्ट में सिर्फ वाइफ ही है जो डायवोर्स ले सकती है, उसको 9 ग्राउंड्स प्रोवाइड की गई है। अगर वाइफ डायवोर्स ले सकती है तो जे एक्ट अप्लाई भी वाइफ पे होगा। जैसे हस्बैंड ने अपने देखा कि जो इस एक्ट से पहले था 1939 वो पहले भी कन्वर्ट करता था ऑटोमेटिकली डिसॉल्व है, और 1939 के एक्ट के बाद भी जो ऑटोमेटिकली उसकी मैरिज डिसॉल्व भी है, पर वाइफ की ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वाइफ के ऊपर जे एक्ट अप्लाई करता है, पर सेकंड प्रोविजो में एक्ट वाइफ के ऊपर नहीं अप्लाई करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका पहला जो ओरिजिनल धर्म है, ओरिजिनल रिलीजन है, वो होर है, राइट। तो मुझे उम्मीद है आपको जो अपोस्टेसी का टॉपिक है अब इसे समझ आया होगा। देन अब हम दोबारा फिर लैंग्वेज के ऊपर चलते हैं, तो देन देखते हैं, अब लैंग्वेज समझने की कोशिश करते हैं। अफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ, अफेक्ट क्या है? द रेनोवेशन ऑफ इस्लाम बाय मैरिड, ये इंपॉर्टेंट है, मुस्लिम वोमेन, वो क्या है, मुस्लिम वोमेन, हर कन्वर्जन टू फेथ अदर देन इस्लाम, मीन्स क्या है कि इस्लाम से अलावा, मीन्स वो क्या है, हिंदू बनगी, ठीक है जी, वो क्या है, क्रिश्चियन में कन्वर्ट करगी, राइट, शैल नॉट बी इट सेल्फ ऑपरेट, वो क्या है, इट सेल्फ ऑपरेट नहीं, क्या नहीं होगी, डिसॉल्व हर मैरिज। वो तो हमने देख लिया कि अगर वो कन्वर्ट भी कर जाती है तो उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। ये है प्रोविजो 1। प्रोविजो 1 में क्या क्या कि उसे जो अगर वो डायवोर्स लेना चाहती है तो उसे जो 9 ग्राउंड्स प्रोवाइड की गई है, ग्राउंड्स अंडर सेक्शन 2 ऑफ, जो 9 ग्राउंड्स उसे प्रोवाइड है उसके ऊपर ही वो क्या है, डायवोर्स ले सकती है, उसकी मैरिज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होगी। देन उसके बाद क्या है, जो है प्रोविजो 2, जे प्रोवाइडर फर्दर डैट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट अप्लाई, किसके ऊपर नहीं अप्लाई करके, वोमेन कन्वर्टेड टू इस्लाम, वोमेन ने क्या किया, इस्लाम में कन्वर्ट किया, मींस टू से कि उसका ओरिजिनल धर्म कोई और है, मींस कि वो हिंदू है, उसके बाद इस्लाम में उसने कन्वर्ट किया, मींस मुस्लिम में, उसके बाद क्या, फ्रॉम सम अनदर फेथ, किसी और फेथ से, राइट, अनदर फेथ अब क्या है, जो हिंदू हो सकता है, ठीक है,
क्रिश्चियन हो सकता है जे, और उसने क्या किया, हु री एम्ब्रेसिस फ्रॉम हर फॉर्मर फेथ, और दोबारा वो क्या है जो उसका फॉर्मर फेथ था उसमें फिर वो कन्वर्ट कर गई, उसके ऊपर जे एक्ट अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है अब आपको जो अपोस्टेसी है, जो कन्वर्जन है, इसका टॉपिक समझ आया होगा, और इसके साथ ही अब हमारा जो डायवोर्स का टॉपिक है वो अब कवर है। राइट, हमने डायवोर्स के टॉपिक में जुडिशियल देखा, एक्स्ट्रा जुडिशियल देखा। जुडिशियल में तो जो ये एक्ट इम्पॉर्टेंट रहता है 1939 का एक्ट, और इसमें सेक्शन 4 है जो अपोस्टेसी के साथ चलता है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है। राइट, तो आप वो चार्ट जरूर बना लेना, उस चार्ट से आपको समझने में बहुत हेल्प होगी लैंग्वेज को, क्योंकि चार्ट के थ्रू आपको लैंग्वेज समझने में आसानी होगी। राइट, तो मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू।